हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम लोग यस बैंक लिमिटेड के बारे में देखेंगे और तीन न्यूज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगा जो कि यस बैंक लिमिटेड का थोड़ा एनालिसिस बताएगा आपको। तो यहां पे देखिए, अभी प्राइस चल रहा है 14.75 के आसपास में, ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुए हैं। पहली बात तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ब्लॉक डील्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा एक न्यूज़ है जिसमें कि यस बैंक की सब्सिडरीज़ हैं उसको सेल किया जा रहा है, यहाँ पे सब्सिडरीज़ को सेल करके और पैसा जुटाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा मैं और भी इसमें एनालिसिस बताऊँगा आपको, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मतलब यस बैंक का अभी इसमें बाई करना चाहिए या फिर इसमें सेल करके होल्ड, या फिर सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हम लोग, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा। और आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, पहली बात है ब्लॉक डील्स का। तो ब्लॉक डील्स, इसमें लगातार ब्लॉक डील्स हुए जा रहे हैं। आज का ब्लॉक डील्स अगर हम लोग देखें तो 14 यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस जो फर्स्ट हमारा ब्लॉक डील्स है यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9:16 AM में, 9:16 AM में आपको देखने को मिला है यहाँ पे। तो 9:16 AM में कितने क्वांटिटीज़ बाई की गई है यहाँ पे, 5,72,995 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई की गई हैं, बाई किए गए हैं। और ये डील्स हुआ है उस प्राइस पे जाके, इतने का डील्स हुआ है। और इसका वैल्यू कितना है तो वो 0.83 करोड़ का है। 83 करोड़ मीन्स एक, अगर हम लोग देखेंगे तो 1 करोड़ से कम का ही यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुआ है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील है। और वो यहाँ पे बाई किए, देखिए, एक जो यस बैंक की जो सब्सिडरीज हैं उसको सेल किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है किसको, कौन से इंस्टीट्यूट को या फिर कौन से कंपनी को सेल किया जा रहा है, वो यहाँ पे है वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके ये परचेजर हैं वो प्रशांत खेमका हैं। प्रशांत खेमका आपको पता होगा, इनका नाम कई बार आता है कई सारे कंपनीज़ के जो भी इन्वेस्टमेंट का ये एनालिसिस होता है उसमें कई बार इनका नाम आता है। तो इनकी कंपनी है एक GPL फाइनेंस करके, जो कि मतलब खेम का ऑन्ड ही है, GPL फाइनेंस है और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लेंडर्स हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और यहाँ पे यस बैंक को हम लोग बोल, यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो दो सब्सिडरीज को सेल कर रही हैं, ये खेमका और GPL फाइनेंस को। तो अगर सेल किए जा रहे हैं तो ये क्यों सेल किए जा रहे हैं, देखिए, अगर मान लीजिए कहीं भी किसी लेवल पे अगर मान लीजिए कोई भी शेयर्स है तो वहाँ से अगर सेल किए जाते हैं, कोई भी शेयर सेल किए जाते हैं तो वहाँ पे से पैसा इनपुट आता है, मतलब पैसा कंपनी में आता है। तो यस बैंक की जो कंपनी है, ये दो कंपनीज़ हैं, मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा, ये दो कंपनीज हैं जो कि यस असेट मैनेजमेंट है और यस ट्रस्टी लिमिटेड है। यस यहाँ पे यस असेट मैनेजमेंट है, असेट मैनेजमेंट, ठीक है, और एक है यस ट्रस्टी लिमिटेड, ठीक है, ट्रस्टी लिमिटेड। तो ये दो कंपनीज हैं, उनके जो सारे शेयर्स हैं वो सेल किए जा रहे हैं यस बैंक द्वारा। और वो किसको सेल किए जा रहे हैं, वो GPL फाइनेंस को सेल किए जा रहे हैं, वो खेमका ऑन्ड ही है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो बेनिफिशियल होल्डर हैं, जो कि यहाँ पे जो परचेजर हैं वो बेनिफिशियल होल्डर हैं, प्रशांत खेमका हैं जो हैं ये, जो कि 99.99% वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में इनका इनका कंपनी में बहुत सारा यहाँ पे असेट्स पड़ा हुआ है उस सारे उन कंपनीज में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो हमारा पहला फंडामेंटल एनालिसिस हुआ, और पहला मैंने आपको ब्लॉक डील्स बताया, दूसरा मैंने आपको ये न्यूज़ बताया, और तीसरा हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। और ये एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए पहले भी ये लेवल पर आ चुका है, ये जो 14.45 के आसपास में, 14.45 के आसपास में जो ये ब्लॉक डील्स हो रहा है वो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैंने एक बार आपको वीडियो बताया था 10 रुपये पे आपको बाई करने के लिए, यहाँ पे रिकमेंडेशन तो नहीं, मैंने एनालिसिस बताया था, और 10 रुपये पे मैंने बोला था कि जो भी इन्वेस्टर्स इस प्राइस पे अगर बाई करता है तो वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये प्राइस गया था कम से कम 16 रुपीज़ पे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने सेल भी कर दिया, तो 60% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपको कम से कम एक महीने में, ये किसी भी शेयर्स पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अभी ये 14.45 पे है, और 14.45 पे ही ब्लॉक डील हुआ है, और ये पॉइंट, ये जो पाइवोट पॉइंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। 14.45 पे क्या हुआ है, पहले
जो हमारा सपोर्ट बना है ये इसी लेवल पे आके बना है। देखिए 14.50 से नीचे, 14.50 से नीचे 14.30 के आसपास में ये हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ से ये बना था, यहीं से एक सर्किट लग रहा था ऐसे ऐसे करके एवरीडे यहाँ पे सर्किट लग रहा था। लेकिन जब ये 14.30 के आसपास में आया, 14.40 के आसपास में आया, तो वहाँ से एक ऊपर की तरफ में आपको मूवमेंट देखने को मिला था। वो यहाँ पर क्यों था? क्योंकि इसमें मनी फ्लोज बहुत ज़्यादा हो गया था। देखिए जब भी मनी फ्लो ज़्यादा होता है किसी भी शेयर्स में तो वहाँ से नीचे की तरफ में आता है प्राइस उसका, क्यों मनी फ्लो थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि उसमें से पैसे निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर से उसमें पैसे डाले जाते हैं, जो कि ये हमारा यहाँ पे मूवमेंट दर्शा रहा है। यहाँ से अगर पैसे इसमें निकाले जा रहे हैं या फिर डाले जा रहे हैं पैसे, तो यही लेवल से फिर से इसमें पैसे डाले जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि इसमें जो पैटर्न है वो पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा इसमें कि कौन सा पैटर्न पे ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं वन मंथ का आपको चार्ट लगाता हूं तो यहां पे डब्लू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए डब्लू पैटर्न, एक ऐसे करके डब्लू पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको, अगर मैं ये 7 डेज का है, अगर 1 डेज का यहां पे चार्ट लगाते हैं तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये 1 डेज का देखिए, यहाँ से प्राइस इसका खुला, आज सुबह में इसका प्राइस यहाँ पे था और फिर से नीचे की तरफ में आया प्राइस और फिर से ऊपर की तरफ में गया और फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट होके और फिर यहीं पे रुक गया। तो जब भी एक्यूमुलेशन होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से मैं पॉजिटिव हूँ और कम से कम अगर आप लोग बाई करते हैं तो आप लोग को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और इसका प्राइस आपको कम से कम 30 रुपीज़ के आसपास में जाता हुआ 1 मंथ या 2 मंथ्स में आपको दिख सकता है, क्योंकि इसमें मनी फ्लोज भी ज़्यादा हुआ है। और मनी फ्लो अगर मैं आपको दिखाने जाऊं तो यहां पे अगर देखिए, यहां पे आपको टोटल तरीके से आपको मनी फ्लो दिखा देता हूं, तो मनी फ्लो यहां पे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे तरीके से मनी फ्लो हो रहा है। और अभी ये बाई करने लायक है क्योंकि ये ज़्यादा मनी फ्लो अभी नहीं हुआ है और ये ज़्यादा पैसे डालने की तैयारी में है। तो देखिए ये 60 से नीचे है, 60 जब भी मनी फ्लो ये 60 से नीचे आता है, 50 के आसपास में आता है, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और वहां से बाइंग करके और 70 या 80 रुपीज़ के पास आसपास में जब मनी फ्लो जाता है तो उसमें एक सेलिंग का पॉइंट बनता है। तो 80 के आसपास में बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेल करते हैं और 50-60 के आसपास में ये बाइंग किया जाता है। तो अभी ये एक्यूमुलेशन चल रहा है, आपको पता चल रहा होगा ये एक्यूमुलेशन है और यहाँ से बाइंग होके और इसका प्राइस कम से कम आपको 25 अभी दिखेगा और लॉन्ग टर्म के लिए ये 30 दिखेगा। और अगर आप 1 to 2 ईयर्स होल्ड करते हैं तो इसका प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास में पहुँचता रहेगा। तो मैंने 10 रुपये पर जब ये था तभी वीडियो बनाया था, तो कई लोगों ने बोला कि ये अभी ऊपर नहीं जाने वाला है, लेकिन देखिए अभी ये 14-15 के आसपास में आ गया है और 16 का हाई बनाया है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग इसमें कर सकते हैं, मेरे तरफ से तो पॉजिटिव है, मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, मेरा व्यू पॉजिटिव है। और मैंने बहुत ही इसमें एनालिसिस किया है, डीप एनालिसिस किया है, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ भी इसमें किया है, तो मेरे तरफ से इसका व्यू पॉजिटिव है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट ये दे सकता है। तो अगर कुछ भी इसमें डाउट रहेगा, कुछ भी पूछना रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं तो आप लोग मुझे ये वीडियो लाइक करके और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी भी अगर शेयर्स पे आपको व्यू जानना हो तो आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक तो आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी और भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वो सारे वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर आपको पूछना रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।